नमस्कार, स्वागत है आपका सच न्यूज नेटवर्क पे। कुछ समय पहले जिस तरह से आप तक ये अपडेट पहुंचाई थी कि आज यानी कि 20 दिसंबर को नई दिल्ली में परिसीमन आयोग डेलिमिटेशन कमीशन की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है और इस अहम मीटिंग में ये जानकारी भी हमने आपको दी थी कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के एमपीज के मौजूद होने की खबर भी सामने आई थी। और अब इस अहम मीटिंग में आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों से संबंधित जो अहम फैसले लिए जाने थे वो लिए जा चुके हैं और डेलिमिटेशन कमीशन ने फाइनली इन राजनीतिक दलों के समक्ष अपनी रिपोर्ट, अपनी जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है वो आज पेश की है। और अब आइए जान लेते हैं कि क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है इस ड्राफ्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, क्या कुछ बदलाव अब असेंबली सीट्स पर किए जाएंगे और क्या कुछ अहम फैसले जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों के संबंधित लिए गए हैं। आइए जान लेते हैं कि क्या है बड़ी खबर। पूरी खबर जो इस वक्त सामने निकल कर आ रही है, अपडेट्स आपको देते चले कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की स्थिति लगभग साफ हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक परिसीमन आयोग की आज हुई अहम बैठक में जम्मू संभाग में 6 और कश्मीर में 1 विधानसभा सीटों को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। कमीशन की बैठक सोमवार को नई दिल्ली में हुई और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटों को फिर से तैयार करने के लिए गठित परिसीमन आयोग ने अपने 5 सहयोगी सदस्यों के साथ विस्तार से चर्चा की। यहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि जो सीटें बढ़ानी थी उनमें से जम्मू संभाग में 6 सीटें बढ़ाई जाएंगी और कश्मीर की 1 सीटें। इसी के साथ सूत्रों ने ऐसा बताया कि जम्मू कश्मीर में एसटी के लिए 9 और एससी के लिए 7 सीटों का प्रस्ताव भी रखा गया है। जी हाँ, ये पहली बार जम्मू कश्मीर में एसटी के लिए सीटों को रिजर्व किया जा रहा है। और इसी के साथ इस अहम मीटिंग में जम्मू कश्मीर के 5 सांसद मौजूद रहे। इनमें से बता दें कि केंद्र मंत्री जितेंद्र सिंह और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला भी शामिल थे। और साथ ही परिसीमन आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व जस्टिस है रंजना प्रकाश देसाई वो कर रही हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा पैनल के एक्स ऑफिशियो सदस्य हैं। उधर दूसरी ओर जम्मू संभाग में सीटें बढ़ाने का एनसी और पीडीपी पार्टी ने किया विरोध। जी हां दर्शकों, इसी के साथ जानकारी देते चले कि विधानसभा की हो जाएंगी अब 90 सीटें। जी हां, परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को अगर लागू कर दिया जाता है तो जम्मू कश्मीर में असेंबली सीट्स जो है वो 90 हो जाएंगी। और पिछली विधानसभा की बात करते चले तो आपको बता दें कि 87 सीटें थी जहां पर कश्मीर घाटी की 47 और जम्मू क्षेत्र की 36। लेकिन अब न्यू ड्राफ्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर में एसटी एससी जातियों आदियों के लिए भी विधानसभा क्षेत्र आरक्षित होंगे जो इस केंद्र शासित प्रदेश के लिए अलग सा राजनीतिक परिदृश्य पेश करेंगे। जानकारी दे दें कि पिछले राज्य विधानसभा में पीडीपी के खाते में 28, भाजपा के 25, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 और कांग्रेस को 12 सीटें मिले थी। लेकिन अब जो नई ड्राफ्ट रिपोर्ट की बात करते चले तो ये सामने एक बड़ा अपडेट आया है कि आज नई दिल्ली में मीटिंग होती है डेलिमिटेशन कमीशन की। इसी के साथ प्रेजेंट हालात की बात करते चले जो इस समय जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को संबंधित चल रहे हैं तो सियासत गरमाई हुई है और राजनीतिक दलों की नजरें बैठक पर है। जी हां, सही सुन रहे हैं, प्रदेश के प्रत्येक छोटे बड़े राजनीतिक दल यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज की नजरें परिसीमन आयोग की इस अहम बैठक पर टिकी हुई है और सियासत इस समय गरमाई हुई है। हर कोई जानने के लिए उत्सुक है कि राजनीतिक बदलाव किस तरह से किए जाएंगे, कौन कौन सी सीटें रिजर्व की जाएंगी और किन किन क्षेत्रों को हटाया जाएगा। लेकिन जो इस समय की बड़ी अपडेट हमारे सामने आई है, जिस तरह से हमने आपको पहले भी बताया कि आज नई दिल्ली में परिसीमन आयोग यानी कि डेलिमिटेशन कमीशन की एक अहम मीटिंग होती है और इस अहम मीटिंग में ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है वो पेश की जाती है। और इस ड्राफ्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको बता दें कि जम्मू संभाग में 6 सीटें बढ़ाने का डिसाइड किया गया है और कश्मीर संभाग में 1 सीट। जी हाँ, इसी के साथ एसटी एंड एससी कैटेगरीज के लिए भी जो सीट्स हैं उन्हें रिजर्व करने का डिसाइड किया गया है। लेकिन यहां पर आपको ये भी बता दें कि पीडीपी और एनसी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जम्मू संभाग की सीटें बढ़ाने से
खुश नहीं है और वो विरोध कर रही हैं। और इसी के साथ जो खबर सामने आ रही है वो ये भी है कि कल यानी कि 21 दिसंबर को गुपकार अलायंस, जिसमें बहुत सी पार्टीज आती है, एनसी एंड पीडीपी भी इसमें शामिल है, ये कल एक मीटिंग करने जा रहे हैं और इस मीटिंग में इसी ड्राफ्ट रिपोर्ट को जो है इस पर चर्चा की जाएगी। जिस तरह से ये दोनों पार्टीज जो है वो इस समय विरोध कर रही है जम्मू की सीटें बढ़ाने का, लेकिन परिसीमन आयोग ने जो डिसाइड किया है वो ये किया है कि जम्मू संभाग में 6 सीटें बढ़ाई जाएंगी और कश्मीर में 1, यानी कि जो टोटल सीट्स असेंबली सीट्स अब हो जाती है विधानसभा चुनावों की वो 90 सीटें हो जाती है अगर ये ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है वो लागू की जाती है। लेकिन ये आने वाला समय ही बताएगा कि किस तरह से जो विधानसभा चुनाव है वो जम्मू कश्मीर में होंगे और कब होंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और रिपोर्ट्स आती हैं तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। दीजिए इजाजत।